हे गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको थंबनेल देख के पता चलेगा कि मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, एक परफेक्ट स्किन टोन की बात करने वाला हूँ और रिटचिंग करके बताऊंगा स्किन को कैसे स्मूथ करते हैं, कैसे कलर ग्रेडिंग करते हैं, ये सारा चीज़ आपको बताऊंगा। आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक लाइटरूम, एक स्नैपसीड। स्नैपसीड इसलिए यूज़ करना होगा कि उसमें आपको फेस को स्मूथ करना होगा और लाइटरूम में कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें लाइट को एडजस्ट कर लेता हूँ। पहले तो इसको क्रॉप कर लीजिए इंस्टाग्राम साइज। यहाँ पर जाने के बाद एक आपको दिखता होगा 4:5, 4:5। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद हल्का क्रॉप्ट कर लीजिए, क्रॉप्ट कर लीजिए इंस्टाग्राम साइज हो गया। अब उसके बाद से क्या करना है आपको, लाइट्स को एडजस्ट करना होता है। यहाँ पे गए, हाईलाइट को कम किए और शेडोज़ को हल्का सा इंक्रीज़ किए, शेडोज़ को हल्का सा इंक्रीज़ किए 37, और वाइट्स को कम करते हैं। शेडोज़ को थोड़ा सा कम कीजिए पहले, यस ये सही लग रहा है। और ब्लैक को हल्का सा कम करते हैं। ये बेसिक लाइट करेक्शन हो। अब इसको क्या करना है आपको, इसको आप अपने गैलरी में सेव कर लीजिए, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, अब स्किन को स्मूथ करना है, तो उसके लिए हम स्नैपसीड को यूज़ करेंगे। यहाँ से आप मिनिमाइज स्मूथ करना है फ़ोटो को। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं मेरा फेस जो है एकदम रफ है। तो यहाँ से टूल्स पर जाओ आप। टूल्स पर जाने के बाद आपके एक ये दिखता होगा लेंस ब्लर। लेंस ब्लर दिखने के बाद आपको आपका फेस जो है ये स्मूथ हो गया। स्मूथ होने के बाद ये सारे पे अप्लाई हो गया, लेकिन आप टेंशन नहीं लें। यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो, आपके सारे फोटोज़ पे ब्लर इफेक्ट ऐड हो गया। तो यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, व्यू एडिट पे क्लिक करना है। व्यू एडिट क्लिक करने के बाद लेंस पे क्लिक कीजिए और फिर ब्रश पे क्लिक कीजिए। ब्रश पे क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद से अपने फ़ोटो को जूम कीजिए। जूम करने के बाद आप देखो, अब अपने फेस को ऐसे हल्का हल्का करके स्मूथ कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको जैसे आप कर रहे हैं आपका मिस्टेक बाय मिस्टेक इस पर कहीं और ये हो जा रहा है, तो आपको इसको इरेज करना हो, तो यहाँ से आप कम कर दीजिए। लेंस ब्लर जो लिखा है इसको जीरो रख दीजिए। जीरो रखने के बाद आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं उसको जो आपको बाय मिस्टेक हो गया उसका। फिर यहाँ से आप 50 इसको कर लीजिए। उसके बाद से आप ऐसे अपने स्किन को स्मूथ कर सकते हैं। बहुत ही इसको पेशेंस के साथ करना होगा। अगर आप तेज़ी में करते हैं ना, तो आपका फेस एकदम ख़राब हो सकता है। चलिए, मेरा फेस स्मूथ हो गया। अब थोड़ा सा हैंड को भी हल्का सा रिटच कर देते हैं, यस हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, अपने गैलरी में सेव कर देते हैं। यहाँ से आप सेव कर लेना फ़ोटो को अपना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने फ़ोटो को सेव कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। एक्सपोर्ट फोटो, आपकी ये गैलरी में फ़ोटो सेव। अब इस फ़ोटो को वो जो सेव किए ना, इस फ़ोटो को फिर आपको एक्सपोर्ट करना है। किस में, लाइटरूम में आपको एक्सपोर्ट कर। अब देखो, ये पहले वाला फ़ोटो है ना, तो इसको हटा दो। जो अभी आप इस स्मूथ किए हैं स्किन को, उसको क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये हम लोग का फेस स्मूथ हो चुका है। लेकिन अब इसमें हमको क्या करना है, कलर ग्रेडिंग करना है। अब कलर ग्रेडिंग कैसे होगा, यहाँ से क्लिक कीजिए। अब पहले तो लाइट को थोड़ा सा फिर से मैनेज कर लेते हैं। शेडोज़ को हल्का इंक्रीज़ कर देते हैं, ब्लैक को, शेडोज़ को हल्का इंक्रीज़, ब्लैक को कम कर देते हैं। अब आते हैं कलर्स वाले पैनल पर। इस पर आने के बाद इस पर क्लिक कीजिए और देखिए, ग्रीन जो है इसका सेचुरेशन पूरा माइनस में लेकर चले जाइए। सेचुरेशन को माइनस में लेकर चले, फिर येल्लो को भी माइनस में लेकर चले जाते हैं। लुमिनस को क्या करना है आपको, इंक्रीज़ कर देना हल्का सा फेस पे। कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका फेस का कलर ख़राब हो रहा है, लेकिन उसको हम बाद में उसको एडजस्ट करेंगे। हम यहाँ से सेचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज़ करते हैं, सेचुरेशन को नेगेटिव साइड में लेके जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे ब्लू पे जाने के बाद सेचुरेशन को इंक्रीज़ कीजिए और लाइटिंग को कम कीजिए। तो आपके जीन्स पे ये इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जीन्स का कलर ब्लू है। तो ब्लू में जीन्स को डार्क थोड़ा करना चाह रहा हूँ। यहाँ से आ गया ये, इस पर डन करते हैं। डन करने के बाद से टेम्परेचर्स को हल्का सा पॉजिटिव साइड, यस 1, और टिंट को हल्का सा -2 रखते हैं। अब उसके बाद से क्या करना है आपको, कर्व पे काम करना है। कर्व टूल में जाना है। यहाँ पे आप चले जाइए कर्व टूल में। कर्व टूल यहाँ से मिलेगा आपको।
यहाँ से करप्ट, ये वाइट वाले को सिलेक्ट करना है। नीचे से आपको हल्का सा ये डार्क एक फ़ोटो में आपका कंट्रास्ट आएगा, फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तीन एक दो तीन तीन डॉट बनाइए, जैसे यहाँ से हल्का सा सेचुरेशन को हाईलाइट को ये इंक्रीज़ कीजिए और ये कम कर दीजिए, ये सही है। उसके बाद से हम क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद से क्या करना है आपको, कलर्स पे जाना है। कलर्स पे जाने के बाद इस वाले पे क्लिक करना है। अब देखो शेडोज़ आपको जो कलर देना है आपने फ़ोटो में शेडोज़, मेरा फ़ोटो जो था मैंने जो एडिट किया था ये वाला फ़ोटो मैं कलर पे ऐड किया था, और हाईलाइट को जो आपको देना है ये हाईलाइट पे दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं अभी फ़ोटो बिफोर और आफ्टर। अब हम फेस पे थोड़ा सा इसको फेस को सुधारेंगे। तो इसको सुधारने के लिए क्या करना होगा आपको, इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे गए ऑरेंज पे क्लिक कीजिए, ऑरेंज पे क्लिक कर सेचुरेशन को कम करते हैं और फिर से इसका लुमिनस को हल्का सा इंक्रीज़ करते हैं। ये देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर, यहाँ से क्लिक करते थे। अब उसके बाद से हम यहाँ पे जाते हैं क्लियरिटी में, फ़ोटो में क्लियरिटी बढ़ाएंगे, क्लियरिटी को हल्का सा इंक्रीज़ करेंगे, फिर से फ़ोटो में शार्पनेस को इंक्रीज़ करेंगे, शार्पनेस आप रख सकते हैं। इसको मास्किंग को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए और नॉइज़ को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए। अब इसमें आपको ग्रेडियंट ऐड करना है फ़ोटोज़ में, तो वो कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे मास्किंग पे क्लिक कीजिए और इसको ऐड कीजिए, ये रेडियल ग्रेडियंट को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद से ये अपने फ़ोटोज़ पर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर दिखता होगा इन्वर्ट कर दीजिए इसको। इन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है लाइट पे जाना है, लाइट पे जाने के बाद एक्सपोजर को आपको कम करना है। देखिए एक्सपोजर जैसे कम कर रहा है ये हम देख सकते हैं, एक्सपोजर कम कीजिए और शेडोज़ को हल्का सा इंक्रीज़ कीजिए। यस अब सही है। तो आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ में बिफोर और आफ्टर फ़ोटो देख सकते हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्लू कलर्स लग रहे थे। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाने के बाद टेम्परेचर्स को माइनस साइड में लेकर चले जाएंगे, टेम्परेचर्स को हल्का पॉजिटिव साइड में और लेके चले जाएंगे, यस 5-6 तक आप रख सकते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद ब्लू को थोड़ा सा सेचुरेशन कम करेंगे, यस, और फिर से हम कर्व में जाएंगे। पहले तो थोड़ा सा आप वाइब्रेंस को भी थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए और टिन को आप थोड़ा सा इसको छेड़ के देखिए क्या होता है। यस यहाँ पर ठीक लग रहा है फेस का कलर, आप खुद देख सकते हैं फेस का कलर ठीक लग रहा है। उसके बाद से हम जाते हैं शार्पनेस में, शार्पनेस को और इंक्रीज़ कर दिया। आपके फ़ोटो में जितना शार्पनेस इंक्रीज़ कीजिए उतना आपके फ़ोटो में एक HD क्वालिटी ऐड होगा। डिटेल्स को कम कर देते हैं, मास्किंग को भी हल्का सा इंक्रीज़ कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं फ़ोटो बिफोर और आफ्टर। एक और इसमें काम करते हैं, कर्व में जाते हैं। कर्व में जाने के बाद रेड वालों को सिलेक्ट कीजिए, रेड को सिलेक्ट करने के बाद हल्का सा ऊपर साइड में आपको लेके जाना है, यस हल्का सा नीचे। तो ये कंप्लीट हुआ फ़ोटो को रिटच किए, कैसे हम फ़ोटो को किए, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बता दी। तो आप खुद देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर कितना फ़ोटो चेंजिंग लग रहा है बिफोर और आफ्टर। तो चलिए मैं एंड करता हूँ यहाँ तक, फिर मिलते हैं आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।